सब्सक्राइब कीजिए मास्टर अमित टॉक्स चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं आईआईटी काउंसिल के एक बड़े डिसीजन के ऊपर जो कि लिया जा रहा है जेईई एडवांस्ड के ऊपर। दोस्तों, 14 अगस्त 2018 को एक मीटिंग हुआ आईआईटी काउंसिल का, जिसमें एक डिस्कशन किया गया जेईई एडवांस्ड को लेकर के, कि जो आईआईटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए जेईई एडवांस्ड का एग्जाम होता था उसको बंद कर देना चाहिए। आपको बता दूं कि आईआईटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए पहले जेईई मेंस का एग्जाम होता है, उसके बाद जेईई एडवांस्ड का एग्जाम होता है। जिनके दोनों एग्जाम्स क्लियर होते हैं, जो स्टूडेंट्स टॉप करते हैं इनके अंदर, उनका एडमिशन जो है वो आईआईटीज के अंदर होता है। लेकिन इसको बंद करने की प्लानिंग में है आईआईटी काउंसिल। तो आईआईटी काउंसिल जो है वो जेईई एडवांस्ड को बंद क्यों कर रही है, इसके कुछ रीजंस जो हैं वो डिस्कस हुए मीटिंग के अंदर, जो मैं आपको बताता हूं अभी। पहला रीजन तो इसके अंदर ये आया कि एक आईआईटी का जो एंट्रेंस होता है, जेईई एडवांस का जो एंट्रेंस होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए होता है, तो इतना टफ इसको नहीं करना चाहिए, ये रीजन उसके अंदर दिया गया। सेकंड रीजन इसके अंदर दिया गया, जेईई मेंस जेईई एडवांस के जो एंट्रेंस रहते हैं उसकी वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्डन आता है इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए या आईआईटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए, इसलिए इसको थोड़ा कम कर देना चाहिए। तीसरा रीजन इसके अंदर आया कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस की कोचिंग देने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है चार्ज कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर भी और उनके पेरेंट्स के ऊपर भी, और उसी प्रेशर की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हर साल सुसाइड कर लेते हैं। तो इस रीज़न को भी आईआईटी काउंसिल ने डिस्कस किया। इसी के साथ स्टूडेंट्स जो हैं वो आईआईटी के अंदर एडमिशन लेने के जो इनके फाउंडेशन कोर्सेज रहते हैं वो 9th और 10th से ही स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर और ज़्यादा बर्डन पड़ता है। तो इस बर्डन को कम करने के लिए भी शायद ये डिसीजन लिया जा सकता है। इसके अलावा जो मेन रीज़न है वो ये लिया गया कि हर साल 13 से 14 लाख स्टूडेंट जो है वो एडमिशन के लिए एंट्रेंस देता है आईआईटी जेईई का, लेकिन उनमें से सिर्फ 10,000 का ही एडमिशन हो पाता है आईआईटीज के अंदर। एक और चीज़ सर्वे के अंदर देखी गई कि जिन स्टूडेंट्स का आईआईटी मेंस के अंदर 1000 से नीचे का रैंक है, उन्हीं स्टूडेंट्स का जो है आईआईटी एडवांस के अंदर भी एडमिशन होता है। जो बाकी के स्टूडेंट्स बचते हैं उनको जो चांस नहीं मिलता है आईआईटी के अंदर एडमिशन लेने का, तो इस रीज़न को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। अब ये कुछ रीजन थे जिनकी वजह से जेईई एडवांस को बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। तो अब जेईई एडवांस को बंद करने के बाद आईआईटी एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, इसके ऊपर कुछ आइडियाज लिए गए कि किस तरीके से जो है वो आईआईटी के अंदर एडमिशन होगा। तो पहली बात कि आईआईटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए जेईई मेंस का ही रहेगा, जो जेईई मेंस के टॉपर्स रहेंगे वे ही जो है आईआईटी के अंदर एडमिशन लेंगे। इसके साथ जो बाकी स्टूडेंट्स बचते हैं उनके लिए 1 सेमेस्टर आईआईटी का एक प्रोग्राम रन करने का एक आइडिया है। अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या रहेगा कि एक आईआईटी के अंदर 100 कॉलेजेस को रखा जाएगा, कॉलेजेस के ऊपर कंट्रोल जो है वो आईआईटी रखेगी। अब होगा क्या इसके अंदर के टॉप 10 स्टूडेंट जो रहेंगे एक कॉलेज के, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे उनको एक सेमेस्टर जो है वो कॉलेज उनको एक सेमेस्टर जो है वो आईआईटी के अंदर लगाने का मौका मिलेगा। इस हिसाब से 100 कॉलेजेस में से 10-10 बच्चे निकालेंगे तो एक सेमेस्टर का 1000 बच्चा जो है आईआईटी के अंदर जाएगा एक सेमेस्टर लगाने के लिए। और वैसे ही 5th, 6th, 7th, 8th मीन्स 3rd और 4th ईयर जो रहेंगे उनमें एक एक सेमेस्टर के में बच्चे जो हैं वो आईआईटीज के अंदर जाएंगे, तो 4 सेमेस्टर के 4000 बच्चा जो है आईआईटी के अंदर पढ़ेगा। इस हिसाब से सेमेस्टर का 1000 और 4 सेमेस्टर का 4000 बच्चा जो है वो आईआईटी के अंदर चला जाएगा, तो उनको भी आईआईटी का एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। साथ में जो उनका डिग्री रहेगा वो यूनिवर्सिटी ही, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर वो पढ़ रहे हैं उसी यूनिवर्सिटी से मिलेगा, लेकिन वहाँ पे मेंशन रहेगा आईआईटी एक्सपीरियंस उनका। सो इस तरीके का आइडिया जो है इम्प्लीमेंट हो सकता है 2019 वाले बैच से। हालांकि इस आइडिया के ऊपर पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं हुआ है, इसका मीटिंग जो है 21 अगस्त को आईआईटी काउंसिल का फेस से होगा, वहाँ पे इस आइडिया के ऊपर फाइनलाइज किया जा सकता है, इस सारे चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक की जो कंफर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है वीडियो तो शेयर कीजिए, वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों, इसी के साथ खत्म करता हूँ इस वीडियो को, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।